नमस्कार, मैं दिबांजलि मित्रा। देश में पहले ऊंट का दूध बिका और इसकी डेयरी गुजरात में खुली। उसके बाद अब भारत में गधी का दूध बेचने की तैयारी चल रही है। जी हाँ, गाय, भैंस, बकरी या ऊंट के दूध का सेवन किया ही होगा या दूसरे के मुंह से सुना ही होगा, लेकिन देश में पहली बार गधी के दूध की भी डेयरी खुलने जा रही। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि गधी का दूध शरीर का इम्यून सिस्टम ठीक करने में भी काफी अहम भूमिका निभाता है। देश में पहली बार राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार में हलारी नस्ल की गधी के दूध की डेयरी शुरू होने जा रही। इसके लिए NRCE ने 10 हलारी नस्ल की गधियों को पहले ही अपने यहाँ मंगा लिया, जिनकी मौजूदा समय में ब्रीडिंग की जा रही। ब्रीडिंग के बाद ही डेयरी का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। डॉक्टरों की माने तो गुजरात की हलारी नस्ल की गधी का दूध औषधियों का खजाना माना जाता है। इस नस्ल के गधे का दूध बाजार में 2000 से लेकर 7000 रुपए लीटर तक में बिकता है। इससे कैंसर, मोटापा, एलर्जी जैसी बड़ी बीमारियों से लड़ने की क्षमता विकसित होती है। इससे ब्यूटी प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं जो काफी महंगे होते हैं। डेयरी शुरू करने के लिए NRC हिसार के केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र और करनाल के नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों की मदद भी ली जा रही। इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे NRCE के वैज्ञानिक की माने तो कई बार गाय या भैंस के दूध से छोटे बच्चों को एलर्जी हो जाती, मगर हलारी नस्ल की गधी के दूध से कभी एलर्जी नहीं होती। इसके दूध में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में कई गंभीर बीमारियों से लड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। गधी के दूध पर शोध का काम NRCE के पूर्व डायरेक्टर कर रहे हैं। NRCE के डॉक्टरों की माने तो इस दूध में नाम मात्र का फैट होता है, तो आप समझ लीजिए कि बहुत जल्द अब आपको गधी का दूध मार्केट में मिलने वाला है।